क्योंकि अपन बड़ी ईमानदारी से खुल के बात कर रहे हैं, तीन फिल्में बहुत हाइप और उतनी ही फ्लॉप, जीरो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड ट्यूबलाइट, लगातार लगातार, और तीनों खान, मतलब जिनका होना ये 200 तो भाई खुलेगा ही, 200 करोड़ के ऊपर जोड़ो भाई, मुझे खान स्लेयर बोलने लगे लोग हैं, हाँ कि तीनों खानों का किंग स्लेयर, जीओटी फैन विल गेट दिस जोक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, कभी ऐसा इल्हाम होता है एक्टर को यार ये कुछ बड़ा हो रहा है या ये कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, जो आप उस टाइम एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं बहुत छोटा हिस्सा हूँ? या देखिए, मेरा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे ना फिल्म के बीच में जनरली ना समझ में आ जाता है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, और मैं वो सिंपल फील पे मानता हूँ कि मेरा ना वो मानना है कि सेट पे आधे शूट के बाद आपको अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ बड़ी मेहनत लग रही है रोज़ वो करने में, तो एक कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा हुआ था बहुत ईमानदारी से। ट्यूबलाइट में नहीं, ट्यूबलाइट में बिल्कुल नहीं हुआ था ट्यूबलाइट, और जबकि मैं आपको ईमानदारी से बोलूं ट्यूबलाइट मुझे फिल्म इतनी ख़राब लगी भी नहीं, मैंने बाद में देखी, मैंने जो है मैं उस टाइम यहाँ पे था नहीं, मैं बाहर कहीं शूट पे ही था जब वो रिलीज़ हुई थी, फिर मैं वापस आया तो मैंने देखी, और ट्यूबलाइट मुझे तब भी नहीं लगा था क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, वो कबीर ने बहुत अच्छे तौर पर जो उस टाइम पर चल रहा था देश में उसको इंडिया पाकिस्तान ना रखते हुए इंडिया चाइना करके ना बहुत इंटेलिजेंट बात कि आप जो वॉर करते रहते हो वॉर से इम्पैक्ट क्या होता है पे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी मेरे हिसाब से, और वो फिल्म में ऐसी कोई ख़राब है नहीं जितनी लोगों ने जिस तरह से उसको नकारा है फिल्म को, तो ट्यूबलाइट में नहीं हुआ था, ट्यूबलाइट में आई एन्जॉयड माई सेल्फ कम्प्लीटली, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठग्स में और जीरो में दोनों में ना मुझे कहीं ऐसा एक पॉइंट पर लगने लगा था कि नाउ आई एम लूजिंग ट्रैक कि हो क्या रहा है, जिसका मैंने ये रीज़न माना हुआ था और आई थिंक रीज़न था भी वही टू बी वेरी ऑनेस्ट कि दोनों बहुत हैवी VFX मतलब बड़ी फिल्में थी, ट्यूबलाइट जो है वो बड़ी फिल्म इन द सेंस सलमान खान कबीर खान कॉम्बिनेशन की वजह से बड़ी फिल्म है, पर वो शूटिंग प्रोडक्शन वैल्यू वाइज उतनी बड़ी फिल्म नहीं है ना, अगर आप देखें तो जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है या जीरो है, जीरो में तो इतना VFX था कि एक पॉइंट के बाद तो आई थिंक हर आदमी थोड़ा सा वैसा था कि सब सही है ना, क्योंकि अब दो एक्टर बैठे हुए हैं, अब यही सीन जो है ये आपको 5 बार करना पड़ेगा जो हम अगर हम ये कर रहे हैं इंटरव्यू, तो क्योंकि इसमें हाइट वाइट से लेके सब कुछ, क्योंकि शाहरुख खान जो है उनको बौना बनाना है, वो ड्वार्फ बनाना है, तो सारे कैलकुलेशन चेंज होंगे, तो एक ग्रीन स्क्रीन के साथ भी होगा, फिर बैकग्राउंड का एक अलग प्लेट होगी जिसमें हम लोग नहीं होंगे, आपके अलग कुर्सी आएगी आप उस पर बैठेंगे ताकि मेरी आई लेवल ठीक रहे, मैं जो आप जो है वहाँ से फिर आपका क्लोज लगेगा, जब आप ऐसे सामने बैठे हुए हैं तो मुझे जो है आपसे बात करते में मुझे यहाँ पे देख के बात करनी है आपसे सीन में, क्योंकि आपका जब वो छोटा करेंगे तो आपका आई लेवल यहाँ पे आएगा, पर एक बार यहाँ से भी शूट करना ज़रूरी, तो इतनी बार जाते थे एक सीन, हाँ तो आपका वो जाता था कि हुआ क्या पता नहीं, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन होता है एक एक्टर के साथ जो कंप्लीट गिव एंड टेक हो जाता है वो कंप्लीट गिव एंड टेक नहीं बन पा रहा था, कहीं ना ऐसा लग रहा था VFX के चक्कर में, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, मैं इस बात की सच में बता दूं वो VFX तो अच्छा था, हाँ नहीं और उन्होंने कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छा किया था, मतलब एक्टर्स को परेशानी हो वाला बिल्कुल नहीं था, मतलब उन लोगों ने बहुत स्मूथ रखा था, बट स्टिल ऐसे ही बैठ के सीन हो जाना, साथ आपने पहले भी राजनाथ हिमांशु आनंद के साथ पहले कर चुका हूँ, शाहरुख सर के साथ पहले कर चुका था काम रईस में, तो एक उनके साथ अच्छी रैपो थी, प्लस जो उनकी टीम थी VFX की विशाल वगैरह वो लोग बहुत बढ़िया लोग थे, तो उन लोगों ने बहुत स्मूथली काम किया था, मतलब उसमें कोई शक नहीं, मनु जो DOP थे मनु आनंद वो सब बढ़िया काम कर रहे थे, बट मेरा पर्सपेक्टिव लूज होने लगा था एक पॉइंट के बाद कि भाई समझ में नहीं आया सीन कैसा हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ देख के बात कर रहा था तो मेरा ध्यान ये था कि कहीं गलती क्या होती है कि आप ऐसे तो कर लोगे शुरुआत हुई सीन की और आप ऐसे बात करना शुरू किया, फिर जब मैं इधर से देख के वापस आऊँगा ना तब नेचुरली मैं आपकी आँख पे देखूँगा, तो आपका ध्यान इस पर रहता है कि नहीं यार वापस भी यहीं आना है, तो यहाँ पे ध्यान रखने चक्कर में बाकी चीज़ों में ध्यान छूटता है, आपका वो छूटना शुरू होता है, तो वो मेरे लिए एज एन एक्टर ना थोड़ा बहुत ज़्यादा स्किल का यूज़ ज़्यादा था रादर देन कि क्या घट रहा है उसे घटने दो, तो आई थिंक मेरा उस वजह से उसमें, और ठग्स में क्योंकि बहुत ग्रैंड शूट था तो सीन तो अगर आपने देखें तो सीन तो कम ही है उसमें, वैसे मेरे घर में आई शेयर पर्सनल स्टोरी, ट्यूबलाइट मैंने नहीं देखी है, रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो
हिम्मत नहीं हुई। हाँ नहीं, वैसे भी मतलब सलमान खान की फिल्में तो आप एक अलग जोन में ही जाके देखते हो कभी। जीरो मैंने देखनी शुरू की, आई गिव अप मिडवे, नहीं देख पाया ज़्यादातर लोगों को। हाँ नहीं देख पाया पूरी। और वो वाले सीन अच्छे हैं जिसमें तिग्मांशु और शाहरुख के बीच बातचीत हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा। हाँ वो वहाँ तक वो अपने जोन फिल्म लगती, वो फिर पता नहीं कुछ कहीं और ही चली जाती है फिल्म। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मैंने पूरी देखी है और इस बात में मेरा मेरे घर में मजाक उड़ाता है। मेरी वाइफ कहती है अरे ये आदमी ये तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखता है बैठ के ऐसे करके। मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित था। एक बड़ी कमाल की किताब है फिलिप मिडोस टेलर की, कन्फेशंस ऑफ अ ठग, वंडरफुल बुक। और उसका भी मेन प्रोटैगनिस्ट आमिर अली है और वो मैं जिस एरिया का रहने वाला हूँ वहीं पे फाइनली पकड़ा जाता है वो जालौन के नवाब को। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये बड़ी कमाल की किताब है, पर जब वो फिल्म का ट्रेलर और फिर मैंने कहा यार ये तो जैसे रिबॉक रिबुक किया है ना तो ये तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और कई चीज़ों को मिला के अलग है वो। नहीं वो बुक पे तो देखिए कभी से भी नहीं थी ईमानदारी। हाँ, वो मेरा एक हाँ मतलब वो तो कई लोगों को ऐसा लगा था क्योंकि कई जगह पे न्यूज़ में भी ये था कि कन्फेशंस ऑफ अ ठग पे बन रही है, जो कि मतलब मुझे तो पता था कि नहीं है क्लियरली, पर जब स्क्रिप्ट आई तब यार पता नहीं मुझे ना अभी भी वही एक ना वो बहुत होता है बनते टाइम ना वो जनरेशन लॉस ना वो कोई ना हैंडल कर नहीं सकता। जैसे मैं आपको सही बताऊं ठग्स की स्क्रिप्ट जो है ना वो बड़ी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है, मुझे पता है फिल्म उतनी एंटरटेनिंग नहीं बन पाई फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा यार बड़ा मज़ेदार हुआ है। एक सिंपल सी कमर्शियल सी कहानी, इधर से ये आता है चोर, एक चोर पुलिस वाली बड़ी पुरानी सी, एक यहाँ भागेगा वहाँ पे आएगा धोखा देगा फिर साथ में आएगा, हाँ हाँ इंटरेस्टिंग प्लॉट्स हैं ये वो, मजाइया मजाइया सब कुछ चल रहा था। बट सडनली वो फिल्म क्या थी मतलब मैं भी देखने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी ऐसा हुआ था कि अच्छा कुछ अलग गया, पर मैं मुझे लग रहा था कि नहीं यार इट विल वर्क। ये बीजीएम वगैरह के साथ ना मैं इतना रह चुका हूँ इस स्क्रिप्ट के साथ तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि नहीं यार सही है यार मज़ेदार है, क्योंकि मेरे दिमाग में मेमोरी स्क्रिप्ट की थी और मुझे लगा है बीजीएम वगैरह के साथ ये प्रोजेक्शन, बच्चन साहब जब कूदेंगे तो लोग सीटियाँ मारेंगे, आमिर की जब एंट्री होगी तो सीटियाँ पड़ेंगी, लोग एंगेज रहेंगे। बट वैसे दैट कॉम्बो वॉज वेरी हेडी इन इटसेल्फ, अमिताभ बच्चन एंड आमिर खान शेयरिंग दिस, आधे लोग तो उसी बात पे एक्साइटेड थे कि कुछ तो होगा अद्भुत होगा, पर वही है नहीं बैठा। तीन हाँ मतलब लगातार तीन फ्लॉप, इसी के बाद डिसाइड करना पड़ा मुझे कि ऐसा वो करो जिसकी मेरा ना एक वो बड़ा दर्द था, ईमानदारी से बताऊं मैंने कहीं बोला भी था दो तीन इंटरव्यूज में, मेरा वो बहुत बड़ा दर्द था कि यार फिल्में फ्लॉप होने पे भी हम इतने अनइम्पॉर्टेंट है कि गाज भी नहीं गिर रही हम पे, कि कोई ये फिल्म फ्लॉप होने पे ये भी नहीं बोल रहा यार देखो ज़ीशान की फिल्म फ्लॉप हो गई। मैंने कहा यार ये कितना नॉन एग्जिस्टेंट हूँ मैं इन फिल्मों में, इसका मतलब कि जब लोग इस पर गुस्सा कर रहे हैं तीन तीन हो गए लगातार, उसमें गाली किसी और को ही पड़ रही है, आप गाली के भी लायक नहीं हैं उस फिल्म में, अप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए वो अलग बात है, कुछ क्रिटिक्स वगैरह ने बोल दिया तो अच्छा, लेकिन मुद्दे की बात यह कि मुझे ना मुझे ये बड़ा बुरा लगा कि यार स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, मतलब आपका काम कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसकी ओनस आप पे भी आनी चाहिए, तो कुछ ना डिग्निफाइड कैरेक्टर लेना ज़रूरी है। मैं अगर इनमें से किसी भी फिल्म में कहीं अलग भी उस पर होता, जैसे ट्यूबलाइट में मैं फिर भी बोलूँगा कि ट्यूबलाइट में मुझे डिग्निफाइड कैरेक्टर एक ज़्यादा मिला हुआ था। हाउ इज़ ही सलमान खान? ये मेरे साथ बहुत बढ़िया, मतलब मैंने सुनी हुई है सल्लू भाई की कहानियाँ कि सल्लू भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बट मेरे साथ बहुत कमाल एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बड़ी बात है, पर मेरे क्लोजअप में भी कैमरे के पीछे सल्लू भाई खड़े होके क्यों दिया करते थे, तो ही लाइक्ड मी आई थिंक, मतलब मेरा यही मानना है कि उनको मैं पसंद आया था किसी वजह से और ही वॉज वेरी गुड विद मी। मतलब अभी भी दो तीन बार, उसके बाद दो बार मिले हम तो दोनों बार बड़े अच्छे से कि ज़ीशान कैसे हो, क्या हाल है और क्या चल रहा है, गुड 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 गुड, लगे रहो लगे रहो, तो एक पॉजिटिव वाइब है। तो मेरे साथ बहुत अच्छे थे सलमान भाई।